तो कैसे हो आप लोग? तो हमारे पास यहाँ पे है पल्सर 180 जो कि 2015 का मॉडल है। इसको हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया है कैफेरेसर में और थोड़ा स्पीड फाइटर के टाइप में भी इसको मॉडिफाई कर रहा है। एंड बाकी सब इसका सामान कुछ बन के आ गया है, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये जो गाड़ी थी इसके अंदर था डिजिटल मीटर एंड डिजिटल कंट्रोल, जिसके अंदर लगी हुई थी बीसी यूनिट के कारण इसके जो हेड है वो काफ़ी बड़ा था और सारा जो इसकी वायरिंग वगैरह है वो हेड में रह रही थी। बट इसके अंदर अपन लोग फ्रंट के अंदर 5 इंच के हेडलाइट लगवा रहे हैं, जो कि ना भी आप तो ये 5 इंच की हेडलाइट है जो इसके अंदर फ्रंट पे लगा रहे हैं। अब इसके कारण एक जो आ रहा था कि इसका जो डोम है 5 इंच का वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, जिसके कारण बीसी यूनिट उसके अंदर फिट नहीं हो पाती। मैं आपको एक बार इसकी बीसी यूनिट दिखा देता हूँ। ये इसकी यहाँ पर ये बीसी यूनिट है, इसकी वायरिंग भी काफ़ी रहती है जो कि इसमें पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या किया, इस बीसी यूनिट को अपन ने इसके एयर फिल्टर के पास में थोड़ी जगह की अपन ने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब इस बीसी यूनिट का यहाँ पे शिफ्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ, वो फ़ायदा ये हुआ कि अपन को आगे की तरफ डोम के अंदर स्पेस मिल गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी बीसी यूनिट अपन ने यहाँ लगा दी, बट इसकी जो वायरिंग थी वो काफ़ी छोटी थी और जो कि आगे से यहाँ तक पहुँच नहीं रही थी। तो अपन ने क्या किया, इसकी पहले हार्नेस वायरिंग को खोला, क्योंकि हार्नेस वायरिंग में से अपन ने सारी वायरिंग निकाली, जो वायर इसकी जो प्लग सॉकेट इसके बीसी यूनिट में जा रहा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरी वायरिंग इसकी आगे से लेके पीछे तक आ रही है, ये सब बीसी यूनिट की है। ये पीछे अपन ने जब शिफ्ट किया तो इसकी जो एक तो जो वायर है ये तो है राइट वाले डिपर स्विच की, एक है इसकी लेफ्ट वाले डिपर स्विच की। अब इसमें क्या हुआ कि भाई ये वायर जो है ये डायरेक्ट ये बीसी यूनिट पे टच हो रही थी, सॉकेट में लगती है, बट ये छोटे होने के कारण आ नहीं पाई। तो अपन ने पूरी वायरिंग को एक्सटेंड कर दिया एंड जो सॉकेट बीसी यूनिट तक आ रहा था मेन हार्नेस वायरिंग में से, उसको अपन ने सॉकेट को यहाँ से कटिंग करके पूरी हार्नेस वायरिंग को कटिंग करके इसे खोल निकाली, फिर बाद में इसको अपन ने यहाँ से लेके इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। एंड इसकी जो आगे की जो प्लग वायर है जो मेन इग्निशन में लगती है, इग्निशन चाबी स्विच की जो केबल है उसको आगे ले गए और इसके अंदर एक उसका भी है इंडिकेटर का, उसको भी आगे ले गए। एंड दूसरी तरफ में इसमें आगे की तरफ दो केबल्स निकलती है, जिसके अंदर एक तो होती है हेडलाइट का सिस्टम होता है, हेडलाइट की वायर होती है, उसको भी अपन आगे ले गए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जैसे कि हम इसको लेंगे, अब इसमें अपन ने आरपीएम मीटर और स्पीड मीटर सेट किया है, ठीक है। अब इसमें आपको मैं बताता हूँ आरपीएम कैसे अपन ने सेट किया है। अब ये इसका आरपीएम मीटर है जो कि रेस के साथ काम करता है, ये इसका एनालॉग मीटर है जिसमें स्पीड बताता है। और जो रही बात हेडलाइट की, वो हेडलाइट यहाँ पे लगती है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये है HGJ की हेडलाइट डॉट से की तरफ से जो सर्टिफाइड होती है, और ओरिजिनल का ये है कि इसके अंदर अपन को एक छोटा सा निशान दिखेगा वो ओरिजिनल होती है, जिसमें सिर्फ डॉट से ही लिखा हुआ है, बट ये सर्कल वाला निशान नहीं है, वो मतलब ओरिजिनल। ये आप देख पा रहे हो, शायद आपको दिख रहा होगा। ये हेडलाइट अपन यहाँ लगाएंगे। इसका क्या डोम भी थोड़ा छोटा रहता है, इसलिए अपन को इसकी वायरिंग को पीछे शिफ्ट करना ज़रूरी था। ये छोटी बहुत ये वायरिंग केपल्स ये कपल्स तो ये तो इसके अंदर आ जाते हैं, बट वो पूरा बीसी यूनिट इसके अंदर नहीं आ सकता था। तब अपन ने इसकी वायरिंग यहाँ से इसको पूरा एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, ये इस तरफ यहाँ से जाके बीसी यूनिट यहाँ पर फिट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर जगह रहती है। और इसकी जो ये जो यूनिट थी अपन ने इसको भी यहाँ पर शिफ्ट किया है, पहले पीछे लगी होती है, अपने पीछे से टेल कटिंग करके इसको यहाँ पर रख दिया ताकि अपने पास स्पेस हो जाए। काफ़ी मॉडिफायर क्या करते हैं कि इसको पूरा काट देते हैं जिसकी वजह स्पेस नहीं होती, फिर थोड़ा कंजेस्टेड रहता है, लेकिन अपन ऐसा नहीं करते। मेन जो गाड़ी का फ्रेम है वही रखते हैं ताकि गाड़ी की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे, तो इसलिए अपन ने यह सब किया है। एंड बाकी इस गाड़ी के ऊपर मॉडिफिकेशन के लिए तैयार रहें। स्टेटमेंट